हेलो मेरे YouTube फैमिली, आप सबके लगातार बहुत से इंटरेस्टिंग सवाल आते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि मुझे तो करियर गुरु बन जाना चाहिए। आप में से बहुत सारे साथी ये पूछ रहे हैं कि सर ऐसी कौन सी नौकरी है जो 12th के बाद बच्चों को पढ़ाया जाए तो जॉब सिक्योर रहे, अच्छी नौकरी मिल जाए, गारंटी हो नौकरी की, पैसा अच्छा मिले। आप सबके ऐसे सवाल देख करके, हालांकि मैं कोई जॉब गुरु तो हूँ नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें कि ऐसी कुछ तो हैं जो आपके बच्चे का भविष्य सिक्योर कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपके बच्चे को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और उसके साथ आपको भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और ऐसी सिर्फ दो ही पढ़ाई ऐसी है जहाँ पर अगर आपका बच्चा वहाँ तक पहुँच गया तो उसकी फ्यूचर का टेंशन लेने का काम आपके सर से हट जाएगा, वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उसमें खर्च भी नहीं आता है, पर उसमें आपको मेहनत बहुत करना पड़ता है और उसकी तैयारी बहुत अच्छे से करानी पड़ती है। और मैं इन दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एक है पूरे इंडिया में IIT और दूसरा है मेडिकल। अगर आपका बच्चा IIT में पढ़ लेता है तो फिर उसके फ्यूचर का टेंशन आपके सर से ख़त्म है, जो कि 12वीं के बाद होता है। और दूसरा होता है MBBS डॉक्टर मेडिकल। अगर बच्चा डॉक्टर बन जाता है तो भी आप उसके फ्यूचर के टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन इसकी तैयारी इतनी आसान नहीं है, बहुत ही कठिन तैयारी होती है। और इसके लिए आप सबके लिए हेल्प के लिए एक और चीज़ बताऊं कि जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूं, तो अनअकैडमी का आजकल चल रहा है लर्निंग फेस्टिवल, और इसमें आप सबको मिल रहा है 45 डेज का जो है ना सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सिर्फ 299 रुपये में, जिसमें आपको IIT की तैयारी हो या मेडिकल की तैयारी हो, या अगर बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है ना, 8वीं से 12वीं तक की तैयारी कर रहा है बच्चा, तो उसको भी पूरी तरह से पढ़ाने के लिए क्या क्या पढ़ना, उसको कैसे कैसे पढ़ना, ये सारी चीज़ों को लेकर के सिर्फ 45 दिन का ना सिर्फ आप 299 में प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करा सकते हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें देखिए आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाती है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, और गाइडेंस भी मिल जाती है CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, 24/7 जो है डाउट क्लियरिंग सेशन भी रहता है आपका, और पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग भी हो जाती है। और ये इसलिए है, और ये अभी फ़िलहाल मेरा कोड जो है AmitLaw10 आप डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और ये इसलिए भी है कि अगर बच्चा 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है तो एक बार उसको इस साइट पे विजिट करा करके दिखा दीजिए कि मतलब देख लो बेटा, अगर तुमको फ्यूचर सिक्योर करना है तो IIT के लिए पेपर किस तरीके का होगा, प्रिपरेशन किस तरीके का होगा, या मेडिकल के लिए अप्रोच किस तरीके से करना है, ये आपको अनअकैडमी सिर्फ 299 रुपये में बता देगी। 45 दिन बहुत होता है और ये 5 रुपये से भी कम है, तो ये मैं आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी कह रहे थे। तो आप चाहें तो अनअकैडमी में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे अच्छी बात यह है ना कि IIT हो या फिर 8वीं क्लास हो, मेडिकल हो या 12वीं क्लास हो, पूरे क्लास के हर सब्जेक्ट को कवर करके, अप्रोच करके, टॉप टीचर्स के द्वारा आपको लाइव क्लास दे करके आपको एक तरह से इम्प्रूवमेंट दिया जाता है कि फ्यूचर में अगर आपको IITian बनना है, एक डॉक्टर बनना है, तो आप किस तरीके से बनेंगे। अनअकैडमी के लर्निंग फेस्टिवल पे ये प्राइज़ है, जबकि 30 अप्रैल के बाद ये प्राइज़ बढ़ जाएंगे, 23 से लेकर 30 अप्रैल तक बस इसकी आखिरी डेट है, तो आपको 30 अप्रैल से पहले ही इसके सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे। और ये जो है मेडिकल के लिए, IIT के बच्चों के लिए, दोनों के लिए है, अगर आप IIT की तैयारी करना चाहते हैं। और साथ ही अगर बच्चे 8वीं में पढ़ रहे हैं और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, या फिर उनके माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा अभी से फोकस करे, तो आप भी ये कोर्स परचेस कर सकते हैं सिर्फ 299 रुपये में 45 दिन। और फिर अगर आपको लगता है कि नहीं सही है, आपके काम की है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये जो है आप कर सकते हैं। कोड है AmitLaw10, आप उसको डालेंगे और आपको मिल जाएगा ये सिर्फ 299 रुपये में। चलिए अब बात कर लेते हैं ना कि ऐसा क्या होता है IIT में। पहले तो ये समझ लीजिए इसमें खर्चा क्या आता है। आप लोगों का सबसे बड़ा टेंशन तो ये रहता है कि खर्चा क्या आता है, तो देखिए उसमें खर्चा ना के बराबर आता है, क्योंकि आप जितना फीस भरते हैं उतना आपको साल में स्कॉलरशिप मिल जाता है, वापस हो जाता है। मतलब अगर आप, जबकि मेडिकल का तो और भी कम हो जाता है, IIT में 1.5 लाख, अगर 1 लाख रुपये आप फीस भरते हैं तो 1 लाख रुपये जो है आपको अगले, मतलब आपको मिल जाते हैं स्कॉलरशिप में। आपको वहाँ सिर्फ हॉस्टल और खाने का खर्चा लगता है, जो आपके बच्चे खाते हैं, हॉस्टल का भी नहीं, सिर्फ खाने का पैसा लगता है, जितना खा लें। मान के चलिए कि 4 लाख रुपये में बच्चा IIT से पढ़ के निकल जाएगा 4 साल में, 3 साल में, समझ रहे हैं, ये होता है। और डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का फीस तो और कम होता है, बच्चे ने अगर MBBS निकाल लिया, लेकिन ये है ना कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए और गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट ज़्यादा जाती है, इसलिए बच्चों को तैयारी ज़्यादा तेज़ी से करनी पड़ती है। मेरिट के ऊपर ध्यान देना है तो आपको पढ़ना अच्छे से पड़ेगा। हर उस आदमी को जो विज्ञान का व्यक्ति है, अगर IIT करने का सपना देखता है, तो उसके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर वो मेडिकल करना चाहता है तो मैथ,
फिजिक्स सॉरी मैथ नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपके बच्चे की ये सेक्शंस स्ट्रॉन्ग है तभी आप इस फील्ड में जा सकते हैं, अगर नहीं है तो आप क्लास करवाइए और इन सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिलाइए, क्योंकि फ़िलहाल इंडिया में सिर्फ यही दो चीज़ें हैं। अगर आप IITian हैं तो आपकी पैकेज ही 1 करोड़ रुपये से शुरू होती है। तो बच्चे तुम लोग के लिए भी सुनहरा मौका है कि अगर तुम ऑडी का सपना देख रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई कर लो, तुम्हें ऑडी मिल जाएगी। और मेडिकल में भी तो आपको पता ही है, डॉक्टर्स के बारे में कुछ बताना नहीं है। और डॉक्टर्स का भी अगर नीट क्वालिफाई कर लिया आपने, आपका एग्ज़ाम सक्सेसफुल हो गया, तो फिर आपको फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं। बस आपको अपनी तैयारी ठीक से करनी पड़ेगी, तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। और कोई भी डाउट होगा कैरियर संबंधी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं पूरी तरह से आपकी हेल्प करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को और आप सब पेरेंट्स को भी।